हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर एट करने वाले हैं जो आपकी एक्टिविटी सीट नंबर कितनी है एट ये कितने हैं क्लास सिक्स सेवन एट तीनों स्टूडेंट्स की हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम रखते हैं वीडियो में हंड्रेड लाइक का ठीक है तो सभी बच्चे हंड्रेड लाइक कम्प्लीट करा देंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आईफोन का गिव अवे करने वाला हूँ तो जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा उसे पता लग जाएगा कि कैसे आप लोग विनर बन सकते हो ठीक है आपकी पच्चीस जनवरी की वर्कशीट है तो सभी ये क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ के स्टूडेंट सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे ये आप अपनी मैथ की नोटबुक में करेंगे किस में करेंगे मैथ की नोटबुक सभी बच्चे निकाल लेंगे अपनी ठीक है इसमें आप लोगों को ये करनी है ठीक है सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे फिर हम लोग वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं चलिए ठीक है इसमें देखिए क्या दिया गया है सबसे पहले आपसे पूछा गया है डू यू नो रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी एवरी ईयर कब मनाया जाता है रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हर साल मनाया जाता है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। स्कूलों में आप लोग डांस भी करते होंगे ठीक है तो आप लोग अगर किसी बच्चे को डांस का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है मेरे दूसरे चैनल पे जिसमें मैंने डांस की काफ़ी वीडियो डाली हुई है मैंने काफ़ी प्राइजेस भी जीते हैं ठीक है तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा उसको पता लग जाएगा ऑन दिस डे इन नाइनटीन कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक ऑफ इंडिया वज इम्प्लीमेंटेड ठीक है देखिए क्या हुआ था ट्वेंटी एक एक चीज़ आपने पढ़ी होगी जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कब था तो वो बना था हमारा नवम्बर फोर्टी में ठीक है कब बना था नवंबर फोर्टीन मैं आपको थोड़ी सी एक्शन नॉन दे रहा हूँ जो ज़रूरी है ठीक है और वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था जनवरी 1950 फिफ्टी में मतलब इस दिन से ये लागू हो गया था ठीक है तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि देश कब आज़ाद हुआ था कब क्या हुआ था तो हमेशा याद रखना पंद्रह अगस्त जब आप पतंग उड़ाते हैं उस दिन हमारा क्या हुआ था देश आज़ाद हुआ था और जनवरी को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था इसका इम्प्लीमेंट हुआ था ठीक है तो ये आपका एक अच्छी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए ठीक है अब हम चलते हैं आगे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताना है सबसे पहले आप लोग देखो कैसे लिखोगे इसे लिखिए क्वेश्चन नंबर ठीक है वन टू थ्री ठीक है आप इसे कैसे करोगे आइडेंटिफाई द नेशनल फेस्टिवल बींग सेलिब्रेट इन दिस पिक्चर ठीक है देखो आपको क्या आइडेंटिफाई है इसमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करके इसमें लिखना है ठीक है स्टूडेंट तो देखिए अब आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है सिंपल सा ये सबको पता चल रहा है इसमें क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है ठीक है आप लोग इसे तो ये क्वेश्चन था हर बच्चा खुद भी कर सकता है लेकिन मैं आपको जैसे पता है सारे क्वेश्चन करवाता ही हूं तो इसे हम क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे बोला जाता है क्या बोला जाता है रिपब्लिक डे तो मैं आपको इसमें लिखा देता हूं रिपब्लिक डे ठीक है बच्चों तो ये आपका फर्स्ट हो गया अब हम करेंगे सेकंड राइट द नंबर ऑफ कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग कितने कलर हैं बच्चों हमारे नेशनल फ्लैग में तीन कलर होते हैं जैसे कि आपको हर जगह देखने को मिल रहा है ठीक है देखिए ये रहा आपका ऑरेंज हो गया वाइट हो गया ठीक है ग्रीन हो गया ये मेन है ये आप थोड़ा अभी साइड में क्योंकि ये पहले से ही बना रखा है अब देखो थर्ड करते हैं फिर हम इसे फिल करेंगे नेम द सेप फॉर्म बाय मारसिंग मैन मैन ठीक है आपको सेप बतानी है जो मार्सिंग मैन ने इसमें बने हुए हैं ठीक है थीके? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगी ठीक है तो आपकी इन दोनों में से क्या है ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है तो आपका ये ट्राइंगल हो जाएगा ठीक है ये आप टिक कर देंगे बच्चों ठीक है अब चलते हैं हम इस डायग्राम की तरफ ये सभी बच्चे खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है बहुत इजी सा डायग्राम आपको दिया गया है इसमें मैं आपको इसे कंप्लीट करा सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें ऊपर ग्रीन ऑरेंज कलर करोगे और यहाँ पे ग्रीन ठीक है सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे हैंड टू हैंड देखिए मेरे साथ जब भी आप वीडियो से वर्कशीट कीजिए हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लीजिए उसके लिए वेट मत करिए कि हम बाद में करेंगे पहले देख लें आप हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक निकालिए और हैंड टू हैंड ये क्वेश्चन लिखिए तीन और साथ में ये डायग्राम बनाइए ठीक है सबसे अच्छी हैबिट होती है बच्चों जो हैंड टू हैंड वर्कशीट कम्प्लीट कर लेता है ठीक है अब करते हैं हम इसमें ऑरेंज यहां पे ठीक है स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं ये कंप्लीट हो गया ठीक है देखो बच्चों कितना तो अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे ऐसा ही बनाएंगे एकदम ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट देखो अब इसको फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है और यहां पे वन लिखोगे आप ठीक है इसे मैं नीला कलर सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार जस्ट और सेकेंड चलिए द सेप इन विच आई हैव फील्ड सेफ्रोन कलर इज आपको क्या आ जाएगा सेप क्या थी उसकी रेक्टेंगल थी ठीक है इसमें आ गया आपका रेक्टेंगल अब सेकेंड करेंगे नेम नेप इन विच आई हैव फील्ड ग्रीन कलर ग्रीन कलर जिसमें आपने फील किया वो भी आपकी रेक्टेंगल थी ठीक है जब आपका सेफ्रोन कलर रे, रेक्टेंगल है तो ये भी आपका रेक्टेंगल ही होगा ठीक है थर्ड द नेम ऑफ सेब आई इन विच आई फिल्ड ब्लू कलर ठीक है ब्लू कलर देखो किस में आएगा आपका पी, इनके अंदर आएगा ठीक है इनमें आप ब्लू कलर फिल कर सकते हो पर इतना अभी कंपलसरी नहीं है क्योंकि आप डीपली नहीं बना रहे हो ठीक है तो इसमें आ जाएगा आपका सर्कल जो सर्कल था उसके अंदर क्या है ब्लू कलर ठीक है ये आपका कंप्लीट होता है अब आपके लास्ट क्वेश्चन जाते हैं देखिए इसमें आपको क्या करना है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वे रेक्टेंगल सर्कल एंड ट्राइंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर कलर द पिक्चर विद योर फेवरेट कलर्स ठीक है ये आपको कंप्लीट करना है देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है जो जो पूछा हुआ है वो आपको बताना है नंबर ऑफ सर्कल देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए वन ठीक है ये टू इसमें कितने हुए सिर्फ टू सर्कल हुए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें दोनों में कितने सेवन होंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है और कहीं देखिए बच्चों आपको दिख रहा हो अब देखिए इसकी आइज़ ठीक है आइज़ हम भूल गए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ठीक है कितने हो गए बच्चों आपके यहाँ थर्टी हो गए ठीक है आप एक बार ऐसे डैश लगा के पहले फिर दोबारा काउंट कर लीजिए जिससे आप ये हो जाए करेक्ट हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो आपके कितने हुए ट्वेंटी सिक्स हुए बच्चों ठीक है और कहीं सर्कल आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है जैसे कि एक दो तीन चार चार हमारे यही हो गए पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह ये पूरे हो गए बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ठीक है ट्वेंटी सेवन हो गए बच्चों आपके ये कलर्स ठीक है नंबर ऑफ रेक्टेंगल रैक्टेंगल आपके अंदर कितने हैं ठीक है रेक्टेंगल में जितने आपकी फोर साइड देखने को मिले वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा ठीक है अब देखिए सबसे पहले आपको इसके हैंड में दिख रहा है वन ठीक है टू ये पूरा बॉक्स हो गया थ्री फोर ठीक है ये सब हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है और ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ठीक है और देखिए बच्चों कहाँ ये रहा आपका इस इस पे बना हुआ इसके हाथ वाले ठीक है क्योंकि हमने अभी यही अकाउंट किए थे इसके हैंड के भी रहते हैं आपके ट्वेंटी नाइन थर्टी और देखिए बच्चों अब देखिए इसके अंदर हमने ये बीच वाले थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो आपके ये कितने आए थर्टी सिक्स ठीक है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये तो बच्चे इजी निकल जाएंगे वन टू थ्री फोर और एक देखिए फाइव आपका फाइव हो गया ठीक है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है स्क्वायर बताने वो थोड़े आपके ज्यादा होंगे क्योंकि देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन तो यही होगा फोर्टीन ठीक है अब और ये पूरा आपका फिफ्टीन और देखिए बच्चों कहाँ पे आपका फिफ्टीन और ये देखो इसके हैंड ये पूरे एकदम स्क्वायर की शेप में ठीक है सिक्सटीन सेवनटीन ठीक है तो सेवनटीन आपके ये हो गए तो ये आपका कंप्लीट होता बच्चों ठीक है मैंने आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा दी है अब मैं बच्चों को ये बता ब, बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे आईफोन का गिव अवे जीत सकते हैं और जिस बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है वो डांस में सीख सकता है मेरे चैनल से देखिए जो पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे दो चैनल हैं ठीक है थीके? एक ही है वर्सटाइल वाला जिसपे आप वीडियो देख रहे हो वर्सटाइल मेडिकल साइंस जिसपे ट्वेंटी एट के सब्सक्राइबर हैं ठीक है और एक सुजीत वाला है ठीक है इसका नाम क्या है सुजीत स्पीसी विक्ट्री ठीक है ये चीज़ आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आपको चैनल ये मिल जाएगा ठीक है इस पर वन पॉइंट वन के हैं ठीक है जैसे ही बच्चे इस पर हंड्रेड के कंप्लीट हो जाएंगे तब आईफोन का गिव अवे किया जाएगा और जैसे इस पर टेन के कम्प्लीट हो जाएंगे तब किया जाएगा ठीक है अब देखिए वो मिलेगा किसे वो मिलेगा उसे जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा ठीक है दस फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा वीडियो को पूरी देखता होगा और लाइक का बटन दबा देता होगा ठीक है अगर ये चार चीज़ आप लोग करते हो तो आप लोग विनर बन सकते हो ठीक है जैसे कि मैंने नाम भी लिए थे कुछ बच्चों के शिवम है याशिका कश्यप है ठीक है किशन चंद के पी है ठीक है प्रयागराज है तो ये काफ़ी बच्चे हैं जो वीडियोस पे हमेशा बने रहते हैं इनके चांस ज़्यादा हैं जीतने के अगर आप लोग भी वीडियो पे बने रहोगे ठीक है और जैसे ही मेरे चैनल पे हंड्रेड के कंप्लीट होंगे हंड्रेड के तक आप लोग लाइक करोगे शेयर करोगे वीडियो को पूरी देखोगे डेली मेरे चैनल से कंप्लीट करोगे तो आप लोग भी जीत सकते हो जैसे ही मेरे चैनल पे हंड्रेड के और टेन के कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है तो इस वाले चैनल पर भी सभी बच्चों को व्लॉग देखने हैं ठीक है डांस की वीडियोज़ भी मैं डालता हूँ मेरी पहले भी डांस की वीडियो डाली हुई है आप लोग उस पर देख देख सकते हो और मैं आपको अगर कहोगे तो किसी भी जो भी आपको वीडियो पसंद आती है बता दीजिएगा मैं उस वीडियो पर आपको डांस की और ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा जिससे आप लोग सीख सको ठीक है ईश्वर तो ये सब चीज चीज करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन, बाय बी सेफ स्टे हेल्दी जय हिंद जय भारत